हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल और एक्सप्लोर विद विक्की पे आपका वापस स्वागत है। होप आप लोग एकदम सब लोग ठीक होंगे। और बड़े दिन हो गए थे कोई वीडियो ना, हम लोगों ने फूड वाला कोई वीडियो नहीं बनाया था, फूड वाला कोई ब्लॉग नहीं हम अपडेट कर पा रहे थे अपने चैनल पे। तो आज हम लोग साउथ इंडियन आपको कुछ खिलाने आए हैं, और साउथ इंडियन वो भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से। जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जो लोग साउथ दिल्ली में रहते हैं डेफिनेटली वो लोग ज़रूर जानते होंगे। मैं आया हूँ अन्ना दुर्गा साउथ इंडियन फूड पे, इट इज़ इन टू लोधी रोड, और लोधी रोड पे है। और मैं पूरा का पूरा जो इनका एड्रेस है, जो इनकी लोकेशन है, वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम वीडियो की। तो आप प्लीज़ वहाँ से लोकेशन देके, वहाँ से एड्रेस देके आप यहाँ पे आ सकते हो। तो अभी हम दिखाते हैं आपको हमको खिलाने क्या वाले हैं। ओके, अब यार भूख तो लगी है ना, और भूख क्योंकि टाइम भी हो गया, इट्स अप्रोक्सीमेटली 12:40, तो खाने का टाइम हो गया। सुबह नाश्ता भी नहीं किया हम लोगों ने। तो हमने जो ऑर्डर किया है, हमने किया एक मसाला डोसा, और हमने ऑर्डर किया है एक मूंग वड़ा, और हमने ऑर्डर किया है एक पनीर उत्तपम। तो लेट्स द थिंग्स कम, उसके बाद खा के मैं आपको बताता हूँ कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। ओके, हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है, दिस इज़ मसाला डोसा, और इसको देखते हैं एक बार। वाओ, तो ऋषि प्लीज़ एक बार दिखाओ। तो अंदर मुझे अनियन दिखाई दे रहे हैं, मुझे पोटैटो दिखाई दे रहे हैं, और खा के बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, इनकी जो टाइमिंग है मैं ऑनलाइन देख रहा था, तो वो है सुबह 8:30 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक। तो सुबह जल्दी आ जाते हैं और रात को लेट तक रहते हैं। प्योर साउथ इंडियन टेस्ट, लाइक कि अगर आप कहीं साउथ इंडिया में घूम रहे हो जब, तो ये टेस्ट आपको वहाँ मिलता है, वही टेस्ट आपको यहाँ दिल्ली में आराम से मिल सकता है, बट आपको उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। लेट मी हैव सांभर आल्सो। आई मस्ट से कि बहुत ऑथेंटिक है, और प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, मसाले एकदम बहुत अच्छे तरीके से डाले गए हैं। और मैं दोबारा बोलूँगा कि आप अगर साउथ इंडियन टेस्ट लेना चाहते हैं तो अन्ना के पास आइए और फिर खा के बताइए, और मैसेज करके ज़रूर बताना कि आपको मसाला डोसा लगा कैसे। अब अगला आइटम मैं देखता हूँ कौन सा आने वाला है। ओके, अब हमारा दूसरा ऑर्डर आ चुका है, दैट इज़ अच्छा, तीसरा भी हाथों हाथ आ गया। क्या लेके आए हो? उत्तपम। तो ये हमारा पनीर उत्तपम भी आ गया, और मेरे हाथ में दाल वड़ा भी आ गया। तो आई हैव टू थिंग्स, आप एक बार आप पकड़ लीजिए। तो पहले मैं दाल वड़ा से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे तीनों ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं, मैंने मसाला डोसा आपको खा के बताया कि कैसा है, और ये बहुत क्रंची ऊपर से, और अंदर से उतना ही सॉफ्ट, जितना ऊपर से क्रंची दिखाई दे रहा है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, और बहुत बेहतरीन मसाले। अरे मस्से आओ यार, एक बार आना बनता है, और आके खा के हमें बताओ कि आपको लगा कैसा। हम मैं हाथों हाथी वीडियो को ना पोज नहीं करते। और हमारा एक फाइनल आइटम जो हमने आज तीसरा आइटम लिया है, दैट इज़ उत्तपम। तो पहले उत्तपम को खोलते हैं। तो खैर, मैंने पनीर बोला था। ओके, हाँ पनीर इज देयर। तो अनियन और पनीर इसमें मुझे दिखाई दे रहा है,
वो बड़ा गर्म है यार। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जब भी आओगे ना तो सब कुछ ताज़ा आपको यहाँ मिलने वाला है और सुबह से लेकर रात तक मिलने वाला है। बहुत अच्छा है, मैं फिर दोबारा बोलूँगा आओ खाओ तभी महसूस कर पाओगे कि कितना अच्छा है। तो एक बार आना और मैसेज करके ज़रूर बताना हम लोगों को कि आपको अन्ना के यहाँ पे खाना कैसा लगा है। तो भाई खाना हमने अपने तीनों आइटम खा लिए, हमने जो आपको बताया था कि हमने खाया है मसाला डोसा, हमने खाया है दाल बड़ा और हमने खाया है उत्पम। वैसे तो पनीर उत्पम हमने बोला था मगर अन्ना बोले कि आप पनीर तो खाओ खाओ आप साथ में ना अनियन उत्पम भी खाओ, तो हमने अनियन उत्पम लिया था। तीनों बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा लग रहे थे, मतलब स्वाद एकदम ऑथेंटिक स्वाद। मैं ऑलरेडी गया हुआ हूँ बड़े अच्छे अच्छे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भी ना, तो दे आर बीटिंग द टेस्ट ऑफ साउथ इंडियन गुड साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट गुड, दे आर ऑल्सो गुड, बट इनका बहुत अच्छा है ना। तो आप आओ खाओ और हमें बताओ कि आपको कैसा लगा। ऑथेंटिक अगर आपको चाहिए, प्योर अगर आपको चाहिए, जिसमें कोई बनावटीपन ना हो, तो आप अन्ना के पास आ सकते हो और यहाँ पर खा सकते हो। ओके तो मेरे साथ में यहाँ जो अन्ना डोसा कॉर्नर है, अन्ना दुर्गा साउथ इंडियन जो कॉर्नर है, तो यहाँ पे मूर्ति जी हैं, बड़ी स्पीड से पैकिंग कर रहे हैं भाई। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, हाथ ही नहीं रुक रहा उनका, तो उनसे एक बार थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा मूर्ति जी कब स्टार्ट किया था? अरे इधर तो देखो पहले आप। हाँ जी कब स्टार्ट किया था? ये तो अभी 8 साल हो गए। 8 साल हो गए आपको? 8 साल बराबर। और कितना आइटम बनाते हो? ये सारा आइटम बनता है, पनीर डोसा ओनियन डोसा सब बनाते हैं। सब बनाते हो यहाँ? हाँ जी। मूर्ति जी ना इतने बिजी हैं कि इनका हाथ नहीं रुक रहा है, जुबान मैं चलवा रहा हूँ और हाथ ग्राहक चलवा रहे हैं। तो यार एक बार आओ और एक बार देखो जरा आगे ना, तभी आप समझ पाओगे कि टेस्ट है क्या, क्योंकि खाने के बाद ही पता चलता है। मेरे बताने से आपको नहीं पता चलेगा, जब आप खाओगे जब उस टेस्ट को महसूस करोगे तभी आपको पता चलेगा। और मैसेज करके हमें ज़रूर बताना कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। और एंड में यार मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आप मेरे वीडियो देखते रहें। और फिर मिलते हैं दोबारा, या तो कुछ खिलाते हैं या फिर कहीं पर घुमाते हैं। टिल देन बाय बाय।